मनोज वाजपेयी की फिल्म जौरम अब ओटीटी पर रिलीज कर दी गई है। थिएटर्स में ये फिल्म 8 दिसंबर 2023 को आई थी। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। यहाँ तक कि लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर मनोज वाजपेयी को इस फिल्म के लिए क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। वहीं जौरम को भी क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। देवाशीष मखीजा निर्देशित इस फिल्म में मनोज वाजपेयी के अलावा स्मिता तांबे और मोहम्मद जिशान अयूब भी लीड रोल में हैं। जौरम की कहानी की बात करें तो ये एक सर्वाइवल फिल्म है जिसमें मनोज वाजपेयी लीड रोल में हैं। उन्होंने बिहार के रहने वाले एक शख्स का किरदार निभाया है जो अपना गांव छोड़कर मुंबई जैसे बड़े शहर में आया है, लेकिन उस पर अपनी पत्नी की कत्ल का इल्जाम लग जाता है। फिर वो अपनी नवजात बच्ची को बचाने के लिए दौड़ता है। अपनी नवजात बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो उसके लिए लड़ाई लड़ता है। इस लड़ाई में उसे ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका हौसला दर्शक को उसके लिए ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। जौरम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कोई कमाल नहीं कर पाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने महज 40 लाख रुपए की ही कमाई की थी, लेकिन फिल्म को तारीफ खूब मिली और ये फिल्म ऑस्कर लाइब्रेरी के परमानेंट कोर कलेक्शन का अब हिस्सा भी बन चुकी है। वहीं अब फिल्म की स्टारकास्ट को उम्मीद है कि ये फिल्म भले ही थिएटर्स पर कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन ओटीटी पर शायद कुछ कमाल हो जाए।